हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो एक मैच होने वाला है चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स लीग का, मोनेको वर्सेस एसपीबीजी के बीच, जो कि 3 घंटे बाद होने वाला है लगभग। एंड इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। अभी 3 मैच बचे हैं काफ़ी बड़े, और आपको पता है 13-14 तारीख से प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो रही है। देन भाई, वेट की लिमिट अब खत्म होती जा रही है, बस 3-4 दिन रह गए। और इसका लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया गाइस। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो जो भी मैं आपको रिप्लाई अभी नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि मैंने अभी आप लोगों के मैसेजेस भी नहीं पढ़े, जो भी है मैसेजेस मेरी टीम पढ़ रही है, जो भी है एग्जीक्यूटिव्स, तो इसलिए अभी तक तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, बट जल्दी दूंगा रिप्लाईज जो भी आप लोगों के मैसेज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, बात करें इस मैच की। तो मोनेको वर्सेस एसपीबीजी के बीच जो मैच होगा, इसमें मेमो एन के फेवर में है। हालांकि अभी आखिरी मैच जो सेकंड लास्ट मैच हुआ था, वो भी मोनेको का इसी टीम के साथ हुआ था, बट लीग अलग थी, लेकिन इसी लीग में हुआ था। मतलब मैं आपको से बात बताऊं तो मोनाको के लिए ये लास्ट और सेकंड लास्ट मैच दोनों एक ही टीम के साथ हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। बात करें सबसे पहले गोलकीपर की, यहां पे लूंगा एफनीटा को। पिछले मैच के अंदर मैंने एफनीटा की जगह ट्राई किया था अनदर गोलकीपर, बट उस पर मेरा फ्लॉप चला गया था प्लेयर, क्योंकि न्यूबल को मैंने लिया था। मानता हूं उसका ड्रीम टीम में नाम नहीं आया, पॉइंट ज्यादा थे, वो पता ही था नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि मोनाको टीम ने इनको एक भी गोल नहीं करने दिया, बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि मैं मैच की ग्रहियों तक देखता हूं भाई। तो मोनाको जो मतलब जो टीम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई अब तो, पहले इतनी खास नहीं थी, पहले तो कोई भी हरा जाता था, बट इस सीजन के अंदर अलग ही रुतबे के साथ टीम आई है। आगे से बात करें डिफेंडर की, यहाँ से लूंगा नेक्स्ट प्लेयर एक्सेल दिसासी को यहाँ पे लेना बनता है। अगर आप यहाँ पे कोई और प्लेयर ट्राई करते हैं, मीन्स कोई भी अनदर प्लेयर, जैसे कि आप मोनाको की इस टीम का प्लेयर अगर आप छोड़ के फोर्थ डिफेंडर लेते हैं, तो भी उतना फायदा नहीं है जितना कि ये प्लेयर देगा। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यार रेगुलर को लूंगा, देन रूबेन एगुलर इज अ गुड प्लेयर, बट आपको मेन बात बताऊं तो यहाँ पे एक प्लेयर है बैनियट, तो यहाँ पे बैनियट को भाई मैंने यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉप कर रखा है थोड़ी देर के लिए। अपन लोग अभी इसको लेंगे, चारों डिफेंडर लेंगे, बट अभी एनालाइज का थोड़ा सा बचा है, तो अभी 3 घंटे हैं। तो मैं आपको बता दूँ लाइनअप्स की मैं वेट कर रहा हूँ, लिटरली सच बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्वाड आने दो, स्क्वाड के बाद पता चलेगा, क्योंकि आजकल स्क्वाड गलत बहुत आ रहा है। कई प्लेयर खेलते हैं वो लाइनअप्स में होते नहीं, जो नहीं खेल रहे होते वो लाइनअप्स में होते हैं, बाद में पता चलता है कि ये क्या हो गया, इसलिए अब थोड़ा डीप सर्च करना पड़ेगा। एंड आगे से बात करें सी हेनरिक की, यहाँ पे सी हेनरिक को भी लेंगे। देन ये तीनों प्लेयर तो कंफर्म है, मतलब लूंगा ही लूंगा इन प्लेयर को, तो ड्रॉप करना नहीं अगर खेलेंगे। बात करें मिडफील्डर की, एस डीओप को लूंगा, यहाँ पे काफी लोग डीओप को छोड़ेंगे, ठीक है सुन लो, यहाँ पे काफ़ी लोग एस डीओप को छोड़ेंगे। मैं मानता हूँ पिछले मैच के अंदर ये एक सब्स्टिट्यूशन था, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन में आते ही इसने असिस्ट की थी, और मेरी बात लोगों ने नज़रअंदाज कर दी। मैंने पहले ही बोला था कि ये गोल और असिस्ट रेशियो का बादशाह है अपनी टीम में, क्योंकि ए गोलोविन बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि गोलोविन एक रेयर प्लेयर नहीं है, ये कॉमन है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 76 मिनट खेला था, ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे तो उम्मीद 55-56 मिनट की थी। अब आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, जैकब पेसक को लूँगा। पेसक को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एसपीपीजी का सबसे जो एक मेन मिडफील्डर होता है वो यही है। एंड जो राइट हैंड साइड मिडफील्डर है वो सॉरी जो हम ले रहे हैं वो है ऑरिलन, पिछले मैच के अंदर गोल किया था तभी मैं ले रहा हूं। वैसे कुछ खास तो ये प्लेयर है नहीं, चाहो तो इसको छोड़ के भी डिफेंडर ले सकते हो, लेकिन मुझे शक है अगर एस ट्यूब ना खेला तो हमें क्या करना है, वो मैं थोड़ा सोच रहा हूं। इसलिए ऑलमोस्ट 80% ये मेरी टीम फाइनल है, 20% मुझे और कुछ करना है। बात करें स्ट्राइकर की, बी वैन येडर को छोड़ दिया, गोल रेशियो बहुत पीछे जा चुका है, उल्टा केविन वोलांड इससे आगे निकल गया, जबकि इन दोनों के मैचेस खेलने में जमीन आसमान का अंतर है गाइस, तब भी वोलांड इससे आगे निकल गया, कैसे हुआ है क्या हुआ है डोंट नो। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, डी मोबर्ट्स को लूंगा। देन डेविड मोबर्ट्स, कार्सन इज अ नॉर्मल प्लेयर एंड एमओएन के खिलाफ ही खेला था पिछला मैच, गोल तो किया नहीं, अपन लोग दोबारा ट्राई कर रहे हैं कुछ तो, देखो देख के ही कर रहा हूँ पिछले मैच के अंदर जो हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि उस मैच से घबरा के अगली टीम में फालतू बना दूंगा, ऐसा नहीं होता गाइस। आगे से बात करें हॉलजेक की, देन यहाँ से मैं आपको बता दूं कि एडम हॉलजेक को लेंगे। पिछले मैच के अंदर 18 पॉइंट दिए थे, जबकि मैं आपको बता दूं पिछले मैच के अंदर मुझे इस पर भरोसा बहुत था, लेकिन इतना भरोसा करना नहीं चाहिए था, बट अपन लोग आज कैप्टन कुप्टन तो नहीं रख रहे, सिर्फ टीम में लेंगे। बात करें कैप्टन की, कैप्टन अपना रहेगा के वोलैंड, एंड वाइस कैप्टन है एस डीओप। डीओप नहीं खेला तो बहुत अच्छा हो जाएगा, डीओप अगर ना खेला तो लिटरली मेरा दिल खुश हो जाएगा, फिर मैं अपनी मन की टीम बनाऊंगा। अगर डीओप खेला तो आई थिंक हमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर डीओप मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन है ही, बट ऑलमोस्ट 80% मेरी टीम फाइनल है, 20% मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।